देखिए अमीश 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 अमीश, मैं प्रभु श्री राम के मंदिर में जहां आज प्राण प्रतिष्ठा हुई वहां पहुंचा हूं। पहले तस्वीरें देख लीजिए, ये दिव्य और भव्य मंदिर। लोगों के दर्शन के लिए जो लोग व्याकुल थे वो लोग भी आए हैं यहां पर। और अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, पहले तस्वीरें देख लीजिए, सबसे पहले मंदिर के दर्शन करिए। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शक मंदिर का दर्शन करेंगे। देखिए ये मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार है, ये जो मुख्य द्वार है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फूलों से सजावट की गई है, थाईलैंड से लेकर के देश के तमाम हिस्सों से, कोलकाता से, बेंगलोर से, जहां जहां भी फूल मिले वहां से ये फूल मंगाए गए हैं। और जरा एक बार जयपाल रावत जी, जरा एक बार दिखाइए सजावट कैसी है, सजावट कैसी है, और ऊपर नक्काशी कैसे की गई है। एक एक खंभे, एक एक नक्काशी बहुत कुछ कहती है। भावनाएं जो है वो राम भक्तों की, कारसेवकों की आज निश्चित रूप से संतुष्ट होंगी। जो लोग सदियों तक राम मंदिर के लिए, राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करते रहे, उन लोगों के बारे में आप उनके उल्लास के बारे में सोचिए, उनके आनंद के बारे में सोचिए, और इस संघर्ष में जितने लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनके बारे में सोचिए। और एक देखिए ये भव्यता, देखिए ये दिव्यता, देखिए क्या कारीगरी है, क्या नक्काशी है, और किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया। जरा ऊपर गुंबद दिखाइए जयपाल जी, ये देखिए गुंबद, देखिए जरा ये देखिए, इसमें सजावट देखिए, और लोग किस तरह से देखिए। अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं राम मंदिर के अंदर, और आज ही यही मंदिर आज ही राष्ट्र को समर्पित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की है, और आज ही हम आपको दर्शन करा रहे हैं। देखिए आइए आइए, आपको लेके चलते एक दूसरे कक्ष में हम आ गए। जरा इसकी भी सजावट देख लीजिए, आपको बारी बारी से सब दिखाऊंगा, बारी बारी से दर्शकों को सब दिखाएंगे, कैसे फूल लगाए गए हैं, कैसे पत्तियां लगाई गई हैं, कैसे बंधनवार सजाए गए हैं, देश और दुनिया के बेहतरीन फूल लाए गए हैं, देश के बेहतरीन कलाकारों ने इसे तैयार किया है। आप देखेंगे शायद आपके रोएं खड़े हो जाएं, शायद आपके दिल में एक उत्कंठा भर जाए, शायद आपकी आंखों में पानी आ जाए, शायद आपकी भावनाएं संभाले नहीं संभले, शायद आप 500 सालों के संघर्ष को याद करके आंखों में आंसू ले जाएं। देखिए ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है उस जगह पे जहां पर प्रभु श्री राम की बाल्यकाल की मूर्ति, 5 साल के बालक जिसके अंदर राजा का भी एक तरह से झलक दिखाई देती है, वो देखिए यहाँ पर गर्भगृह के अंदर मैं जा रहा हूँ। अब गर्भगृह के अंदर आपको लेकर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर, यहीं पर पूजा पाठ हुआ है आज, पूरे दिन विधान से कार्यक्रम हुए हैं। किस तरह से बंधनवार लगा करके फूल से, पत्तियों से, खूबसूरती से इसे सजाया गया है। और अब आपको मैं लेके चलता हूँ, दिल थाम के बैठिए, न्यूज 18 इंडिया पर आप सीधे दर्शन करिए प्रभु श्री राम की बाल्यकाल की मूर्ति का, सीधे दर्शन करिए, आप दर्शन करिए यहाँ पर। एक सेकंड जरा जाने दीजिए, एक सेकंड, ये जो गर्भगृह की तस्वीरें हैं वो आपको सीधे मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ जयपाल रावत जल्दी आइए और दिखाइए प्रभु श्री राम की ये श्यामल वर्ण की अद्वितीय, अलौकिक, अनोखी ये प्रतिमा है जिसमें आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्रभु श्री राम यहाँ पर विराजमान है। सदियों के संघर्ष, सदियों की मुश्किल के बाद मैं भी दर्शन कर रहा हूँ। देखिए जयपाल जी, मैं भी दर्शन कर रहा हूँ प्रभु श्री राम के। देखिए दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, आप देखिए जरा मूर्ति को देखिए, निहारिए, आप आशीर्वाद लीजिए, आप जी भर के देख लीजिए, आप अपनी आंखों की उत्कंठा को पूरी कर लीजिए। चंपत राय जी सामने खड़ा है हाथ जोड़ के। चंपत राय जी, ये तपस्या जो फलीभूत हुई है, चंपत राय जी कोई शब्द तो नहीं उनके मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भावनाएं हैं, देखिए यहाँ पर बहुत धक्का मुक्की, बहुत भीड़ है, लेकिन एक बार फिर कहूंगा जयपाल रावत, इस मुश्किल घड़ी में भी किस तरह से न्यूज 18 इंडिया आपको दर्शन करा रहा है। आप देखिए विराजमान है प्रभु श्री राम, उनके मूर्ति मंडल को देखिए और समझिए